हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत आसान सा क्वेश्चन या थ्योरम बोल लीजिए। क्या कहती है क्वेश्चन? शो दैट अ कांस्टेंट फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल, कि जो कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है वो रीमन इंटीग्रेबल होता है। ये हमें शो करना है, बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब मैं आपको पूरी कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो पाए। तो चलिए आते हैं प्रूफ पर। तो इस चीज़ को प्रूफ करना है, हमें जो फंक्शन दे रखा है वो कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, लेट अ फंक्शन एफ एक्स इज़ टू सी, सी मीन्स कॉन्स्टेंट, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, इंटरवल के अंदर होना होता है ना फंक्शन, तो हमने इंटरवल मैंशन किया है ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। जो हमारा पार्टीशन बनेगा क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, सपोज कीजिए वो पार्टीशन बनेगा, एक्स जीरो से स्टार्ट होगा और एक्स एन पे ख़त्म होगा, तो ए इक्वल्स टू एक्स जीरो, उसके बीच बनेंगे एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री और एंड में एक्स एन, और एक्स एन की वैल्यू क्या होगी, बी होगी। और इसी पार्टीशन से हम बनाते हो क्या सब इंटरवल, तो सब इंटरवल के लिए आई आर डिनोट किया जाता है और वो होता है एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर, क्लोज इंटरवल। और डेल एक्स आर जो होता है हमारे पास वो होता है एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन, ये होता है। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें सुप्रीमम और इन्फीमम की भी मदद लेनी पड़ती है। चूँकि फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट फंक्शन के लिए जो सुप्रीमम और इन्फीमम होता है वो दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। लेट कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर बी द सुप्रीमम एंड इन्फीमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स ऑन आई आर, आई आर में जो भी सब इंटरवल आपका होगा, तो यानी कि जो सुप्रीमम होगा वो भी कांस्टेंट होगा और इस इन्फीमम स्मॉल एम आर वो भी कांस्टेंट होगा। तो आपको पता है आपको कोई सी फंक्शन को रीमन इंटीग्रेबल बताना होता है तो जस्ट हमें क्या प्रूफ करना होता है कि लोअर पी एफ किसके बराबर है, अपर पी एफ के बराबर है। तो लोअर पी एफ का फॉर्मूला आपको बताइए है क्या होता है, समेशन आर इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक, लोअर पी एफ बोल रहा हूँ सॉरी, अपर पी एफ आर इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक समेशन में कैपिटल एम आर इंटू डेल एक्स आर होता है। तो एम आर हमें क्या दे रखा है, एम आर हमें दे रखा है सी, सी फॉर कांस्टेंट, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे डेल एक्स आर, तो सी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और समेशन आर इक्वल्स टू वन से लेकर एम तक डेल एक्स आर, समेशन को एक्सपेंड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा डेल एक्स वन, डेल एक्स टू, डेल एक्स एन। और आपको पता है डेल एक्स एन एक्स वन किसके बराबर होता है, एक्स वन माइनस एक्स जीरो, ये होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, और लास्ट में ऐसे चलता जाएगा एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन हो जाएगा। तो देखेंगे जब आप इसे जब खोलेंगे ना, अल्टरनेटिव टर्म सारे क्या हो जाएंगे, कटते हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा आपका कौन सा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, यानी कि एक्स एन माइनस एक्स जीरो। तो सी तो बाहर है, एक्स एन की वैल्यू आपको पता है बी है, और एक्स जीरो की वैल्यू क्या है, ए है, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सिमिलर प्रोसेस में आपको लोअर पी एफ भी निकाल सकते हैं, ये भी आ जाएगा समेशन आर इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक स्मॉल एम आर डेल एक्स आर सी डेल एक्स आर। तो जब आप इसे फिर से करेंगे तो सी बाहर आ जाएगा, समेशन आर इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक डेल एक्स आर, और फिर प्रीवियस स्टेप में जो हमने किया था ऐसे ही खोल देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको फिर से मिल जाएगा सी ब्रैकेट के अंदर बी माइनस, इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिल रहा है, अपर पी एफ किसके बराबर आ गया है, लोअर पी एफ के, यानी कि जो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन कैसा है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, वो क्या है, आर इंटीग्रेबल यानी रीमन इंटीग्रेबल, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।